है इंडिया न्यूज खबर काम की, वो खबर जो आपके काम की है, आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। 31 दिसंबर के बाद ईएमवी चिप डेबिट कार्ड जरूरी हो गया है, क्योंकि पुराने कार्ड को आरबीआई ने बंद कर दिया है। और इस कार्ड से कैसे साइबर क्राइम पर रोक लग सकेगी, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। बैंकों में ये लाइन लगी है नए ईएमवी चिप डेबिट कार्ड के लिए। 31 दिसंबर से पुराने कार्ड को बंद कर दिया गया है, इसकी वजह से बैंकों में नए कार्ड लेने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बताते हैं कि क्या है ईएमवी चिप डेबिट कार्ड। इस कार्ड में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा हुआ है। ईएमवी चिप सबसे सुरक्षित माना जाता है। इस कार्ड का क्लोन बनाना संभव नहीं है और इस वजह से इस कार्ड से एटीएम फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। स्कैनर लगाकर डेटा चोरी करना अब मुश्किल हो जाएगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना न के बराबर हो जाएगी। पिछले कुछ समय में बैंकों में फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ा और स्कैनर वगैरह लगा के फ्रॉड लोगों ने इसको काफी यूज करा। ये नए वाले कार्ड जो है ये बिल्कुल सुरक्षित है और इसका डाटा कॉपी बिल्कुल ना के बराबर। नोएडा में पीएनबी बैंक ने कस्टमर्स के लिए अलग तरह की व्यवस्था की है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द कार्ड मिल जाए। हम लोगों ने एक प्लानिंग करी है कि हम अपने अपनी ब्रांच में खास करके बाकी ब्रांचेस से या बाकी बैंकों से अलग हट करके एक सर्विस में और मैक्सिमम जो भी कस्टमर्स आते हैं हम उनके मतलब उस पूरे प्रोसेस को एक ही विजिट में कंप्लीट कर लेते हैं। कस्टमर्स को भरोसा है कि इस नए बदलाव से कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित होगा। सुमित, नोएडा, इंडिया न्यूज। तो ईएमवी डेबिट कार्ड से जो साइबर क्राइम हो रहा है देश में, उस पर लगाम लगने में कामयाबी हासिल हो पाएगी, शिकंजा कस पाएगा साइबर क्राइम पर। और अब देखिए हमारी खास पेशकश भैया जी स्माइल।